ना मैं तो उसमें करना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही उसको। माइक को। कुंडाचार्य देव द्वारा यह महान भेंट यह भव्य जीवों को प्रदत्त है, उसमें यहाँ संवर अधिकार में आज चला रहे हैं 181, 182, 183 नंबर की गाथा। यह वास्तव में गाथा क्या गाथा है, ये तो अपने जीवन की गाथा को बदल देने वाली गाथा है। अपने जीवन की गाथा बदल जाए मैंने कहानी बदल जाने वाली। ये ज्ञानी जीव उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, वह अनंत संसार के दुख समुद्र से निकलकर महासुख सामग्री में महासुख शांति में जाकर विश्राम करता, उसको कहते संवर। ये संवर अधिकार प्रारंभ कर देना, संवर अर्थात रोकना, संवर अर्थात रोकना। किसको रोकना? आश्रव, आश्रव निरोधो संवर, आश्रव को रोकता है उसे संवर कहते हैं। बहुत सरल बात है, आश्रव जैसा अपना दुश्मन कोई अन्य है नहीं इस विश्व में। अपना जो शत्रु है वह है आश्रव। क्या है ये आश्रव? यह रागादि विकारी परिणाम, मोह राग द्वेष, ये अंदर में है आश्रव। ये द्रव्य आश्रव का निमित्त है। द्रव्य आश्रव माने जो कर्म होते हैं ना, ज्ञानावरणी तृष्णावरणी मोहनी अंतराय आयु नाम गोत्र वेगनी, ये आठ प्रकार के कर्म, ये द्रव्य कर्म उद्गल है, पर वे जीव के साथ आके चिपकते हैं। कर्म आते हैं ना जीव के साथ आते हैं, जीव के जहाँ आसना के प्रदेश हैं उन प्रदेशों के सन्मुख आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, और उन कर्मों का और जीव के प्रदेशों का आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध हो जाता है। कर्मों का और जीव का उनके परिणामों के साथ, जीव के परिणामों के साथ में और कर्मों का निमित्त निमित्तिक संबंध हो जाता है। बस ये निमित्त निमित्त संबंधी की अपेक्षा से हम कहते हैं कि हम कर्म से बंध गए हैं, कर्म का फल भोग रहे हैं, ये सब ये। लेकिन उन कर्म के भी आने का आश्रव का कारण क्या है, तो द्रव्य आश्रव का कारण क्या है, तो भाव आश्रव। तो यह भाव आश्रव अंदर में मोहादि परिणाम है, विकारी भाव। मिथ्यात्व सबसे नंबर एक है, मिथ्यात्व और कषायें, मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ, इतने में सब बात आ गई। ये जो कषायों का पुंज है इसमें मिथ्यात्व गर्भित है, यह पुंज पूरा आश्रव है, भाव आश्रव। यह इस जीव को अनंत संसार में खदेड़ कर रखता है, संसार में फंसा के रखता है, नरक ले जाता है, निगोद ले जाता है, स्वर्ग मनुष्य चार गति में परिभ्रमण सबका हेतु कुछ है। तो ये अंदर में विकारी भाव है, राग देश में जैसे इच्छा करते हैं, जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म बनते हैं, वैसा उदय आता है, वैसा फल मिलता है, फिर उनके अंदर भाव करता है, फिर कर्म बनते हैं, फिर उदय आता है। इस प्रकार ये 84 का चक्कर चलता रहता है। इस चक्कर से निकलने के लिए सब बातें चलाना है ना अपने को, तो चक्कर से निकालने के बाद जैन धर्म, जिन वाणी, जिनेन्द्र देव, जिन गुरु, जिन धर्म, ये सब कोई इस जीव को क्या कराते हैं, इस जीव को संसार के कट बंधनों से बाहर निकालते हैं और मुक्ति में ले जाकर के सिद्ध भगवान बनाकर स्थापित कर देते हैं। ऐसे निमित्त हैं, तो निमित्त तो उपादान में काम होगा, जोर होगा तो काम बनेगा, निमित्त क्या कर लेगा। ये भगवान है साहब, उनको भगवान बना सकते हैं, बना देंगे भगवान उनको, ऐसे भगवान भरोसे नहीं बैठा देने का, बना देंगे ना, आपने कहा ना भगवान बना देंगे, ये भगवान बनाने के निमित्त है, कार्य उपादान में होता है। अगर आप उसका भगवान के बताए हुए निर्देशन में
चलोगे, देव गुरु धर्म के निर्देशन में आगे बढ़ोगे तो जरूर आपको चीज मिलेगी। अब वो भगवान कह रहे हैं कि भैया आलू नहीं खाना चाहिए, और कह नहीं मैं तो खाऊंगा, तो तुम भगवान की कोई बात ही नहीं मानते हो तो क्या कैसे कल्याण होगा। और इसी तरह से मिथ्या तो नहीं करना चाहिए, कि नहीं मैं तो मिथ्या दृष्टि रहूंगा, कषाय नहीं करना चाहिए, कि नहीं मैं तो करूंगा। वो कषाय छोड़ना है तो उसका भी तरीके है, ऐसे नहीं छूट सकती है। आप यहाँ आप प्रतिज्ञा लो कि मैं आज से कषाय नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा लेता हूँ, उसमें क्रोध आ जाएगा एकदम, क्रोध आ जाएगा, मान आएगा, माया आचार्य आएगी, लोभ आएगा, सब क्रोध में कषाय नहीं, क्रोध नहीं करूंगा तो उसका मान आ जाएगा कि मैंने क्रोध नहीं किया, कषाय तो कषाय की जगह पड़ी रही। ये इस तरह से नहीं छूटने वाले हैं, जो इस तो कषायों के चुंगुल से यह जीव नहीं छूट सकता है, इस तरह से कि मैं छोड़ दूंगा। उसका छूटने का तरीका है ये कि संवर प्रकट करो, यहां से तुम छूट सकते हो। संवर फिजिकल तो ढाल, ये ढाल लगा दी और तीर पड़ रहे हैं कर्मों के, चार दस कर्म आ रहे हैं, लेकिन ढाल लगा दी तो टकरा टकरा के गिरते जाएंगे ना, तो कर्म सारे के सारे, ये जीव तो सुरक्षित का सुरक्षित रह जाएगा, ऐसा है। इसलिए ये संवर बहुत महान ढाल है, ये जीव के हाथ में दे देते हैं। युद्ध के मैदान में गया, वहां तलवार थी सब चारों तरफ, अब क्या करें, इतने में किसी ने आखिर ढाल पकड़ा दी, तो हाथ ओ ढाल लगा दी तो सब तलवार उसके घाव से वार से बच गए सुरक्षित, और उसने विजय भी हो जाता है फिर उसके बाद में, ढाल तो हाथ में हो। ऐसे ये यहाँ संवर को ढाल कहा है, और कैसे संवर प्रकट होता है उसकी विधि बताइए, जो गाथा महत्वपूर्ण है। गुरुदेव के प्रवचनों में इसके लिए कई बार 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 अलौकिक गाथा छे, अलौकिक गाथा छे, ये भी गाथा एवी छे कि एना थी एनो ये आसर रुकी जाए, सुमर प्रकट करके निजरा में आके मुक्त हो जाए, ऐसी बात हो गया। तो इसलिए पहले अपन गाथा पढ़ रहे हैं, और फिर पहले सुमर अधिकार के प्रारंभ में ही कुंदपुंडाचार्य सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं। संवर प्रकट करने का उपाय प्रस्तुत करते हैं, उपाय हर चीज का उपाय है, ऐसा नहीं है कि कोई बात ही बातें हैं यहाँ। उपाय अगर करोगे तो उपेय की प्राप्ति होती है। संवर निजरा उपाय तत्व है और मोक्ष उपेय तत्व है। मोक्ष और संवर निजरा में क्या है, उपाय उपेय का संबंध है, माने उपाय से जो प्राप्त हो उसे उपेय कहते हैं। जैसे घी प्राप्त करना है तो दूध में से घी निकालना है तो उपाय करना पड़ेगा ना, उसमें चावल डालो उसके बाद वो जमेगा दही, उसके बाद मथेगा मक्खन निकलेगा, फिर उसके बाद तपाओगे तो घी निकलेगा। जैसे तो उसमें उपाय क्या है वो, और जो घी है वो क्या है उपेय, तो वो घी रूपी उपेय माने उपाय से प्राप्त किया जा रहा है, बिना उपाय के प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा है मोक्ष, यह उपाय से प्राप्त किया जाता है, बिना उपाय के मोक्ष ऐसा नहीं आने वाला है कि जैसे पुण्य का उदय आ जाता है अपने आप यहाँ पे, ऐसा मोक्ष का कोई ऐसा पुण्य का उदय आए कि मोक्ष आके खड़ा हो जाए सामने, ऐसा नहीं होने वाला है। वो उपाय पूर्वक उपेय होता है, उपाय उपेय में इस जीव को ये तो मालूम नहीं कि उपाय उपेय संबंध किसमें लागू पड़ता है, जिसमें ये उपाय करता है काय के लिए, जैसे कार कार तो वो उपाय से प्राप्त हुई कि बिना उपाय के प्राप्त हुई, कार बंगला का उपाय से प्राप्त हुआ कि बिना उपाय के हुआ, बिना उपाय के पुण्य का उदय आया बाहर खड़ा हो गया ना, पुण्य का उदय आया कार बाहर खड़ी होगी, कुछ नहीं किया आपने उपाय, ये कोई व्यापार नौकरी वोकरी करने के उपाय से ही नहीं होता है, कुछ नौकरी भी जो मिलती है वो भी पुण्य के उदय से मिल जाएगी, उसने तुमने क्या करा,
वो तो पुण्य का उदय साधु योग बना ना सारा, ज्ञान का उघाड़, आपके बोलने की क्षमता, सबसे आवाज निकलना, कलम चलना, ये सब पुण्य का उदय से उसके अनुसार होता है सब। कर्म करा रहा काम, कर्म द्वारा प्रदत्त है ये, मैं कुछ नहीं कर रहा, लिखने करने का काम भी, लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया वर्णाधिक करुण इंद्रिय किया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल, हम करते नहीं बाहर का काम। इसे उपाय उपाय संबंध लागू नहीं पड़ता, कहीं विश्व में लागू नहीं पड़ता, सिर्फ एक जगह लागू पड़ता है कि पुरुषार्थ ही एक जगह लागू पड़ता है, बाकी तो पुण्य का उदय सब या पाप का उदय सही होगी, पुण्य पाप के उदय से चल रहे सारा संसार में। उपाय उपाय की बात आएगी किरण भाई, तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह है कि जहाँ संवर निर्जरा उपाय है और मोक्ष उपाय, और कहीं उपाय उपाय लागू नहीं पड़ता, मतलब इस जीवन में कहीं उपाय थे ही नहीं, काम थे ही नहीं करने लायक, और जो काम कर रहा है वो तो कर ही नहीं रहा, करने की बुद्धि करके मिथ्या दर्शन कर रहा है, कर्तव्य तो बुद्धि को पालन कर रहा है, मैं कर सकता हूँ ऐसा अभिमान कर रहा है, न कि बाहर के कुछ काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ा दिया, उनको ब्याह शादी करा दिए, इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, ये सब मैंने कर दिए का अभिमान कर रहा है, कुछ नहीं करा है अपने, अपन ज्ञाता दृष्टा अपन राम, कुछ नहीं करते अपन, पर वहां तक समझना, ज्ञाता दृष्टा तक पहुंचना वो मामूली बात नहीं है, उनको अपने जीवन के अंदर प्रकट करना, उसके लिए कोई पद्धति से काम करना होगा, और वो उपाय यहाँ पर बताते हैं। देखो उपाय का एक और शब्द भी अर्थ है पुरुषार्थ, जैसे जैसे उपाय बोल रहे हैं ना उसका अर्थ लगाना पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ कहाँ लागू पड़ता है, कहाँ लागू नहीं पड़ता, शरीर के शरीर में इसका पुरुषार्थ लागू नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को कुछ भी नहीं पता था कि हमको लड़का बनना है कि लड़की बनना है, कुछ भी पता था क्या, क्या पुरुषार्थ लागू पड़ा अपना, जैसा हुआ कर्मों ने जैसा दे दिया शरीर वैसा है, अब ठीकना रखना है कि लंबा होना है कि मोटा होना है कि दुबला होना है, ये सब कर्म के उदय अनुसार होना, बालक होना है जवान होना है बुढ़ा होना है, ये सब कर्म के उदय अनुसार होना, कहाँ अपनी चलती किसी में किसी भी काम में नहीं चलती, इसलिए इनको वहां पर उसमें इतना पुरुषार्थ लागू नहीं पड़ता शरीर के संचालन में, क्या पुरुषार्थ करूंगा तो बुढ़ा पानी आने दूंगा, जवान भी बना रहूंगा, तो कितना पुरुषार्थ कर ले, कितनी दंड बैठक लगा ले, खूब बादाम खा ले, वो शरीर बराबर बुढ़ापा आएगा और मृत्यु होगी, रूटीन चल रहा, कहाँ पुरुषार्थ लागू पड़ा, नहीं लागू पड़ा ना। बस इसी तरह ये जो जीव है शुभ भाव करना चाहे, खूब कि मैं शुभ भाव करूँ तो उसमें पुरुषार्थ करना चाहे वो भी नहीं हो सकता है, भावना है कि मैं मंदिर जाऊँ दिन भर पूजा करता रहूँ और अच्छा करता हूँ, बार बार विकल्प आते घर गृहस्थी के लड़ी झगड़े करने के, तो पाप का भाव है ना, तो आप पुण्य पाप में भी नहीं चल रही, शुभ अशुभ भाव में भी पुरुषार्थ लागू नहीं पड़ रहा है, उसमें तो पुरुषार्थहीनता लागू पड़ रही, पुरुषार्थ लागू नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक जगह पुरुषार्थ लागू पड़ता है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संभव, तो महान काम है जीव का मोक्ष जाना, वो पुरुषार्थ से हो सकता है, संवर पुरुषार्थ से हो सकता है, निर्जरा पुरुषार्थ से हो सकती है, और संवर निर्जरा से मोक्ष होता है, इसे मोक्ष पुरुषार्थ से होता है, ऐसा कहा, ऐसी बात। यहाँ सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय कि प्रभु आप तो यह बताओ कि मुझे संवर प्रकट हो जाए, तो जैसे देखो बेटा हे भवी जी, तू तो भेद विज्ञान का है ना, उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान चल रहा है, हेडिंग चल रहा है, संवर प्रकट करने का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है, उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करें अर्थात उसको व्यक्त करेंगे यहाँ पे बड़े धूमधाम से, ओ को हानि सुनती को रोगो को हो को हे चे वही वो गे नथी खलु को हो,
अठवी अपे कम में नो कम में चाविनती ओ गम ही अकम्मम नो कम्मम चाविनो वती ए दम दुआविरी दम नानम जयादु होदि जीवस तैयान किंचि कोवदि भावम ओ गसुद्धप्पा उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में हे क्रोध क्रोध विषय क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग है नहीं अष्टविद कर्मोऽवरुणो कर्म में ए कर्मारुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के तब अन्य नहीं कुछ भाव व उपयोग शुद्धात्मा करे। गाथा उपयोग उपयोग में है, उपयोग उपयोग में है। देखो यहाँ सब आत्मार्थी जीव बैठे, कुछ भी तत्व तो सुनते हैं, अभ्यास तो कुछ भी तो है। एक बात में कोई नया भी हो तो उसे समझ में आ सकती, बात तो पूरी समझ में आती है, क्योंकि जीव राज भगवान आत्मा है। उस भगवान आत्मा को आत्मा की बात समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। उपयोग में उपयोग है, यहाँ दो शब्द दो उपयोग बताए, एक उपयोग जिसमें उपयोग, दो चीज, एक उपयोग जिसमें उपयोग। अब कौन से हैं दो उपयोग है? तो एक तो उपयोग है यहां पर ज्ञान की पर्याय जानन भाव, या सम्यक तो हो गया हो तो शुद्ध परिणति, या उसका एक नाम शुद्ध प्रणति का सोमवार सोमवार अधिकार है नहीं। दो तरह से बता रहे हैं, एक अज्ञानी के लिए और एक ज्ञानी के लिए। अज्ञानी के पास तो अब यहां सोमवार प्रकट हुआ नहीं ना, तो उसके भी उपयोग में मैंने ज्ञान उपयोग में ज्ञान की पर्याय जान रख देखा है, ज्ञान की पर्याय का नाम है उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन जानना देखना, जानना देखना, ये काय में पता लग रहा है अपने को, ये शास्त्र काय में पता लग रहे हैं अपने को, उपयोग में मेरा उपयोग किधर है? विलास भी ठीक है, मेरा उपयोग किधर है? भव्य जीवों में या अनंत कुमार में मेरा उपयोग है, ठीक है। अब ये जो उपयोग है, ऐसे आपका उपयोग कहाँ है? अभिहार्य शास्त्र श्रवण में स्वाध्याय में कहाँ है उपयोग? कि उपयोग क्या होता है इसको जानने में कहाँ क्या लगा हुआ है? उपयोग लगा हुआ है, उपयोग के स्वरूप को समझने के लिए उपयोग लग रहा है बस। ये तो उपयोग समझ में आ गया, इसका मतलब कि वो जो समझने का जो भाव है अंदर, भाव नहीं इच्छा नहीं, ज्ञान जान लक्ष्य जिसमें ज्ञेय का ज्ञान होता है, पदार्थ का पता लगता है, वह ज्ञान भाव मेरा उपयोग। तो अज्ञानी के लिए उपयोग जानन भाव ज्ञान की पर्याय, उसमें कौन है उपयोग? मतलब एक ये दूसरा जो उपयोग बताया वो बताया पूरे द्रव्य को, भगवान आत्मा को, उपयोग के पिंड को, उपयोग के पिंड मतलब द्रव्य जिसमें से उपयोग प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है, जानना जानना प्रकट होता है, वह उसी तरह प्रकट होता है जैसे सूर्य में से किरणें प्रकट होती है।
सूर्य में से किरणें प्रकट होते, प्रकट किरणें 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 प्रकाश में निकलता है। सूर्य तो ध्रुव बैठा है, उसमें किरणें प्रकट हो रही थी, हो रही। ऐसा यहाँ पे अपना आत्मा उपयोग का सूर्य है, चैतन्य सूर्य। तो ये सूर्य में से ये जानना 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 ये प्रकट हो रहा है, ज्ञान अंदर आत्मा में से प्रकट हो रहा है। ठीक है, ज्ञान अंदर से प्रकट हो रहा है, ज्ञान बिल्कुल देह में से प्रकट नहीं हो रहा है। ज्ञान अंदर से प्रकट हो रहा है। आज हमारे ज्ञान के अंदर ये शिकागो शिकागो के जीवराज ये ज्ञाकार बनना थे, तो वो अंदर से ज्ञान ऐसा कैसा उसी की रचना किए हो, पूरा जो सीन दिख रहा है इसी सीन को लिए हुए ज्ञान अंदर प्रकट हो रहा है। पूरा ऐसा कैसा सीन कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है ये सीन, ज्ञान में। और ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, अंदर से। तो मैं अंदर से ये सीन बना रहा हूँ ना पूरा का पूरा। और इस अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मैं बाहर से ये देख के मेरे को ज्ञान हो रहा है, देह से ज्ञान हो रहा है, ऐसा भ्रम होता है। तो यहाँ ज्ञान है वो ज्ञान के पिंड में से प्रकट होता है, ज्ञान का सूर्य अंदर उसमें से। तो एक जो सूर्य ज्ञान का सूर्य है उसको कहा कि उपयोग, उपयोग की खान है ना, वो खदान है, उपयोग का सूर्य है, इसलिए उसको कहा उपयोग, द्रव्य को उपयोग कहा। और इसी तरह पर्याय को उपयोग कहा, मैंने ज्ञान की पर्याय को उपयोग कहा, जानने की पर्याय को। मैं यहाँ पे दो उपयोग समझ आ गए, पहले बिल्कुल इससे सारी बात बनेगी आगे, कौन कौन से दो उपयोग हैं। चलो कौन बताएगा, प्रमोद भाई। ज्ञान की पर्याय को, ठीक है। दूसरा उपयोग द्रव्य, द्रव्य उपयोग में, उपयोग ज्ञान की पर्याय में द्रव्य बैठा है। अब आप समझना, उपयोग में उपयोग, ज्ञान की पर्याय में द्रव्य विराजमान है। त्रिकालीय ध्रुव अनादि अनंत चिदानंद चैतन्य देव भगवान आत्मा कहाँ विराजमान है कि ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय उपयोग में भगवान बैठा हुआ। उपयोग में सिनेमा नहीं बैठा हुआ, समझ आया। उपयोग में यह घड़ी दिख रही है तो उपयोग में घड़ी नहीं बैठी हुई है। उपयोग में कौन है, घड़ी का ज्ञान। ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, वो तो ज्ञान का उपयोग, ज्ञान की पर्याय है। पर उसके अंदर व्यापक कौन है, पसरा हुआ कौन है, बैठा हुआ कौन है, तो उसके अंदर द्रव्य बैठा। दो चीज बात पकड़ना आ गई, अपने उपयोग में कौन बैठा है, ये बैठे हैं कि ज्ञाय बैठा है, ये बैठे हैं कि ज्ञाय बैठा है, ज्ञाय। तो ज्ञाय का नाम है उपयोग और पर्याय का नाम ये उपयोग, ये हो गया उपयोग में उपयोग। अगली बात समझ, उसका कोई उदाहरण, ये मिथ्या दृष्टि के पास उपयोग में उपयोग है, तो भी मिथ्या दृष्टि को उपयोग में कषाय दिख रही है, क्रोधाधिक भाव दिखाई दे रहे हैं कि मेरे उपयोग में तो क्रोध दिख रहा है, मेरे ज्ञान में तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे मायाचारी पड़ी है, मेरे ज्ञान में शुभ भाव दिख रहे हैं, भगवान की भक्ति का भाव आ रहा है, पूजन का भाव आ रहा है, शास्त्र सुनने का भाव आ रहा है, ये जो भाव आ रहे हैं वो मेरे ज्ञान में मुझे प्रतिभाषित हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इसका अर्थ मेरे ज्ञान में यह ये घुस गए, अभी अज्ञानी को ऐसा दिखा है। ठीक है, अब इसको यहां से निकालते हैं कि ये अज्ञानी ज्ञानी कैसे बने। मुझे तो भगवान आत्मा जानने में नहीं आ रहा, मुझे तो भगवान आत्मा जानने में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे तो आत्मा जानने में नहीं आ रहा, मैं तो तड़प चुका भगवान आत्मा के लिए, कोई उपाय बताओ ऐसा कि जिससे जानने में आने लग जाए। ये कैसे जानने में आएगा, देख तेरी गलती कितनी बड़ी है वो बता, कि उस उपयोग में तुमने तो क्रोधादि को बसा रखा है, तो जिसमें क्रोध का कचरा बैठा हुआ है उसमें जिनेंद्र भगवान आकर कैसे बैठेगा, नहीं बैठेगा ना। ऐसा कि जैसे वेदी होती, वेदी या उपयोग की वेदी है अपनी, वेदी में वेदी में
जिनेन्द्र भगवान विराजमान है। पर मालूम है कि वेदी में कब आके विराजमान हो रहे, तो इसके लिए वेदी की शुद्धि की जाती है। पहले वेदी बनती है, पहले मंदिर बनता है, वेदी बनती है, फिर वेदी में आके सीधे भगवान को विराजमान कर देते हैं क्या? आप नहीं कर सकते विराजमान। पहले वेदी की शुद्धि होती है, मंत्र जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं वो पूरे मंत्र द्वारा उसकी पूरी वेदी की शुद्धि करते हैं अनेकानेक मंत्र से। और जब वो अपनी शुद्धि हो जाती है तब तीन लोग के नाथ आकर के उसके अंदर बैठते हैं, गंदगी में नहीं बैठते। कोई भी समझदार पुरुष वो तो गंदगी में नहीं बैठता है। अरे जानवर होता है ना, उनसे डॉग, वो भी पहले साफ करता है फिर बैठता है। क्या गंदगी में नहीं बैठता है? ऐसा ये यहाँ पर जो महापुरुष है वो तो गंदगी में नहीं बैठेंगे ना। तो अपने उपयोग के अंदर में गे को घुसा दिया है अंदर में, और वो क्रोधादि विकारी भावों को इस प्रकार, वो तो ज्ञान की पर्याय रूपी वेदी हो पूरी की पूरी गंदी हो रही, भयंकर डरती है उसके अंदर तो क्रोध मान माया लोग ऐसे फंसे हुए हैं ज्ञान के अंदर, उसकी कल्पना में तो फंसे हुए ना, ज्ञान में घुस गए कि यही मान रहा है ना। तो ऐसे के अंदर वहां उस ज्ञान की पर्याय में अंदर का जो द्रव्य है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आकर के कैसे बैठेगा? सोचो आप, कल्पना करो। मेरे रोज रोज मेरा आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा जानने में नहीं आता। अरे आत्मा जानने में कैसे आता? तो जानने के अंदर पहले क्रोध भरा हुआ है ये तो मानना छोड़, ज्ञान तो केवल अच्छे चलो मैं वेदी को शुद्ध करना चाहता हूँ, भगवान आत्मा को बुलाना चाहता हूँ, वेदी को शुद्ध करना है, कैसे करूँ? वो उपाय हमें होता है कि भेद विज्ञान से कर दे। कैसे करूँ? ये मान कि मेरा जो उपयोग है ज्ञान उपयोग, इसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ है नहीं। तो आगे लिखा ना कि क्रोधादि में कोई भी उपयोग नहीं है। उपयोग में उपयोग है और उपयोग में क्रोधाधिक नहीं है, क्रोधाधिक में कोई भी उपयोग नहीं है। क्रोध उपयोग शून्य है, क्रोध में ज्ञान नहीं है, क्रोध अज्ञानी है, क्रोध पौद्गलिक है, उद्गल से उत्पन्न हुआ। क्रोध क्रोध को नहीं जानता कि मैं क्रोध हूं, क्रोध जिस पर आता है उसको नहीं जानता कि मैं क्रोध हूं, वो दूसरों के द्वारा जाना जाता है। ये क्रोध को जड़ कहा, समय साहब 72 नंबर की गाथा में क्रोध को जड़ कहा। ये इसलिए बहुत और भी इसलिए बताया, तीन पॉइंट दिए खुद अमृतचंदाचार्य ने तीन, कि क्रोध क्रोध को नहीं जानता इसलिए जड़ है, जानता ही नहीं होगा ये क्रोध किस क्रोध, मैं क्रोध हूं क्रोध को क्रोध का पता नहीं है। यहाँ क्रोध शब्द से समस्त प्रकार की इच्छा लेना, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा पुरुष वेद स्त्री नपुंसक सभी सब कषायें ले लेना, और सारी सारी कषायों को इसके अंदर में ज्ञान शून्यता है, क्रोध क्रोध को नहीं जानता है, इसलिए जड़ जड़ बन जाए चेतन, क्रोध जड़ है। क्रोध जिस पर क्रोध आया है उसको भी नहीं जानता, इसलिए भी अचेतन है। और तीसरा कि अन्य किसी के द्वारा जाना जाता है, मेरा आत्मा उसको जानता है कि तू क्रोध, मतलब वो जानने में ही आएगा, खुद नहीं जानेगा, दूसरे को जानने में आ सकता है बस, खुद नहीं जानेगा, इसलिए इसलिए भी वो जड़। इस तरह से क्रोध की जड़ता सिद्ध की। इसलिए हमारी परिणति में क्रोध दिख रहा है ये तो सत्य, ज्ञान में उपयोग में गेयाकार बन रहा है ये तो सत्य, पर ज्ञान में वो क्रोध अंदर घुसा नहीं है, क्रोध बिल्कुल ज्ञान से बाहर बढ़ रहा है, ज्ञान के आउट की ज्ञान के बाउंड्री से बाहर, आउट ऑफ बाउंड्री, ऐसा क्रोध और ज्ञान ही हम ऑपरेशन है, सूक्ष्म ऑपरेशन अंदर ही अंदर, पास के पास नहीं, नसे दौड़ रही है, वहीं लीवर है, वहीं पे मांस है अंदर और इतनी इतनी क्यों नसें हैं, तो वो लीवर को काटने की जगह नस कट जाए, लीवर में मल काटने की जगह वो लीवर ही कट जाए तो क्या करोगे? तो वही जो पास में है तो उससे क्या फर्क पड़ा, चीज तो दूसरी दूसरी है, और उसको ध्यान जो जानकार है वो सावधानी रखता है,
और उसमें जिसको निकालना है उसको मेल को निकाल देता है और बाकी स्वास्थ्य है स्वास्थ्य को बचा लेता है। ये तो वहां पर पुरुषार्थ करता है कि नहीं करता है ऐसा वो पुरुषार्थ यहाँ अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, अंदर के ऑपरेशन में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसका ऑपरेशन है? ज्ञान में राग मिल गया है इसका ऑपरेशन करना है, नहीं मिला है राग को निकाल के बाहर करो। कैसे करें कि राग को गे बनाओ, ये जानो कि राग जड़ है, उन्हें जानने वाला जो ज्ञान है उसमें राग नहीं है। जो चिंतन करोगे तो सब ज्ञान में सामान्य ज्ञान व्यायक में से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, उसमें से राग नहीं होता। मोहनी कर्म का उदय निमित्त है इससे राग होता है। इस तरह से ज्ञान और राग की पृथकता जानी जा सकती है, पूरा विज्ञान किया जा सकता है। उसके लिए कई गाथाएं भरी पड़ी हैं सिर्फ राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न बताने के लिए, समझाने के लिए। याद तो एक मिनट में एक सेकंड में हो जाएगी, जहाँ के राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, याद कर देगा, समझ देगा, सुना देगा, सब कर देगा लेकिन अंदर में वो उसका भाव हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके हेतु नहीं मालूम पड़े। इसको क्या तर्क है इसके कि राग बाहर पड़ा है? अपने ही ज्ञान को तर्क देना पड़ते हैं, अपना ही ज्ञान अपने ही ज्ञान को समझाता है तर्क दे दे करके। हे मेरे ज्ञान मान जा कि मेरे ज्ञान में हे मेरे ज्ञान, मेरे ही ज्ञान में राग नहीं है, राग बाहर पड़ा है। तो फिर वो ज्ञान प्रश्न करेगा कैसे नहीं है, मेरे को दिख रहा है, मेरे अंदर में दिख रहा है। फिर उसको खुद ही ज्ञान समझाएगा, अपने ही ज्ञान कि मेरे में जो राग बैठा है ऐसा तेरे को अपने को लग रहा है लेकिन ये नहीं। क्यों? क्योंकि राग तो मोहनी के उदय से आया हुआ, चारित्र की पर्याय में विकारी भाव है और मैं ये ज्ञान गुण की पर्याय हूँ, जानना तो अपने ज्ञान गुण की पर्याय है। तो ज्ञान की पर्याय में तो ज्ञायक में से प्रकट होती है, सूर्य में से किरण प्रकट होती है, राग में से किरण प्रकट नहीं होती। सूर्य में से प्रकट हुई ज्ञान की किरण और उसके अंदर प्रकाशित हुआ है राग, ये बात तो सही है लेकिन राग को ज्ञान उसके ज्ञान के सूर्य में थोड़ी प्रकट हो गया, फंस गया है। जैसे कि प्रकाश है, प्रकाश के अंदर केवल प्रकाशित हो रही है, ठीक है, प्रकाशित हो रही है। तो क्या प्रकाश के अंदर केवल घुस गई क्या? कि प्रकाश अलग है तो केवल अलग है? प्रकाश अलग है बिल्कुल। प्रकाश तत्व को न्यारा देखो और ये जिसको प्रकाशित किया हुए पदार्थ को न्यारा दे। अभी कठिन हो जाता है क्योंकि इस प्रकाश इस तरह छाया होता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये पुस्तक ही है, प्रकाश तो भूल ही जाता है कि इसमें प्रकाश भी आ रहा है। प्रकाश ऊपर ऊपर छाया हुआ है बिल्कुल अलग का अलग, लेकिन अब कब पता लगता है इसको प्रकाश का? जो लाइट चली जाती है, अरे यहाँ यहाँ प्रकाश था, इसमें प्रकाश था, यहाँ प्रकाश था। इसलिए और अब जब प्रकाश होता है तब जो प्रकाशित पदार्थ में इस तरह गंभीर इस तरह ध्यान केंद्रित कर देता है कि वो प्रकाश तत्व ज्ञान से हट जाता है। इसी तरह से ज्ञान के प्रकाश में ये गे राग झलकता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि बस वह राग ही राग बैठा हुआ है, अपना अस्तित्व राग रूपी है, मैं राग रूपी हूँ, मैं इच्छाएं करना इच्छाएं करना रूपी मेरा एक पदार्थ हूँ, ये क्रोध हूँ मैं, लोभ हूँ मैं, भावना हुई मंदिर जाने की पूजा करने का कि भावना हुई, वो भावना में हूँ बस, कुत्ते में अटका रहता है। और उसके अंदर जानने वाला उसके अंदर द्रव्य पूरा त्रिकाली ध्रुव अनंत गुणों की खान, इसको कुछ पता नहीं, खाली बैठा है, अपने आप से अनोन है, अनादि। उसके अंदर यहाँ पे नोन कर रहे हैं ये तो क्या चले कि उपयोग उपयोग में है। वापस आ जाओ, वेदी में भगवान को विराजमान करना है तो वेदी की शुद्धि करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? शुद्धि करोगे तो भगवान आके बैठ जाए तीन लोग के ना। ज्ञान की पर्याय को शुद्ध करो, कैसे शुद्ध करें? इसमें ये अंदर है, ज्ञान में राग अंदर बैठा है, इस प्रकार से मानना बंद करो, राग को बाहर निकालो, ज्ञान की पर्याय में से राग को बाहर निकालो। इसी पलटू ज्ञान की पर्याय को शुद्ध किया, ज्ञान की पर्याय में राग नहीं है, कर्म नहीं है, शरीर नहीं है, दुकान नहीं है, मकान नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, शरीर के बालक जवानी बुढ़ापा नहीं है, किसमें? ज्ञान में। ज्ञान खाली बैठा है इन सबसे,
राक्ष भी खाली बैठा तो यहाँ बखा पड़ रहे लिखित तो बात ही कर नहीं रहे हैं, क्योंकि थोड़ी गाथा अपन अंदर से ले रहे हैं, सूक्ष्म ऑपरेशन चल रहा है सही। और बाहर से तो शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, वो तो बोल ही नहीं रहे हैं। अभी सीधा राग और ज्ञान की जुदाई की गाथा कितनी ऊंची है, क्रोध क्रोध में और ज्ञान ज्ञान में। ऐसा नहीं कह रहे कि शरीर शरीर में और आत्मा आत्मा, वो तो स्थूल बात है। स्थूल शरीर तो पुद्गल है, ही भिन्न शरीर कहा मेरा, मेरा आत्मा का हो गया है। लेकिन मैं आत्मा ये कर्म को अपना मानता हूं, कर्म भी पुद्गल है, वो तो जड़ कर्म है, द्रव्य कर्म, तो वो जीव कैसे बनेंगे। अभी कथा आने वाली है टीका इसमें आएगी, फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, पुद्गल कर्म का जीव कैसे बनेगा, जीव का पुद्गल कैसे बनेगा, दो द्रव्य बिल्कुल न्यारे न्यारे। यहाँ पे तो दो द्रव्य जो न्यारा न्यारा अपन दिखाया, एक उपयोग और एक क्रोध, उसके अंदर अंदर के दो द्रव्य न्यारे दिखाए, विकारी भाव और द्रव्य ज्ञान का स्वभाव, ये दो न्यारे न्यारे। इसलिए यहाँ उपयोग में उपयोग की वेदी को शुद्ध करो। क्या शुद्ध करना है भाई, प्रदीप भाई क्या शुद्ध करना है, ज्ञान की पर्याय को किस तरह शुद्ध करें, क्रोध से राग से क्रोध से। हाँ सही है, प्रदीप भाई बोले तो दोनों कहीं भी बोले एक ही बात होगी क्या, कि क्रोध और मैंने ज्ञान में से क्रोध को न्यारा करना है, झाड़ू लगानी, झाड़ू कचरे की झाड़ू लगाना पड़ेगी ना तो साफ हो जाएगी जगह अपनी। तो ज्ञान की पर्याय को साफ कैसे करना, तो कल्पना में क्रोध मिलाया था इसलिए कल्पना में ज्ञान अशुद्ध नजर आ रहा था, कल्पना में, तो कल्पना में से ही कल्पना के अंदर झाड़ू लगाओ कि ये क्रोध अंदर आया ही नहीं, क्रोध तो बाहर पड़ा हुआ है, ज्ञान प्योर शुद्ध है, ये ज्ञान में घुसा ही नहीं है ना। तो तीनों पॉइंट तो लगाई दो अपने प्रदीप भाई, तीन पॉइंट। नंबर एक, ये ज्ञान में नहीं घुसता। दूसरा, ज्ञान ये में नहीं घुस जाता। और तीसरा है, ज्ञान द्वारा ज्ञान से ये से ज्ञान नहीं होता, ये से ज्ञान नहीं होता, ये शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो अंदर ज्ञान भंडार में सुंदर चेतन सूर्य में से प्रकट होता है। जिनेन्द्र भगवान दिव्य ध्वनि में कह रहे हैं, बात को सुनना पड़ेगी, समझना भी पड़ेगी। अपने अपनी बुद्धि अनादि से लगाएगा, अरे ऐसा क्या हो सकता है, गुरु से तो ज्ञान के सामने बोल रहे तो आवाज आ रही है, तुम्हारा ज्ञान हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सुन तो सही, तेरा ज्ञान अंदर से भंडार में से आ रहा है, और ज्ञान की प्रयास घड़ी घड़ाई क्रमबद्ध में ऐसी बेला कहाँ समझे, कब तक समझे जाए। समझना, श्रद्धान करना, उसके ऊपर फिर आचरण में लाना, ये मनुष्य भाव नहीं करना जरूरी, इस देवता ने तो ये भाव छूट जाए उसके बाद क्या मौका मिलने वाला है। ये तो उसको मौका मिलेगा जरूर कि जिसने इस जन्म में इस तत्व को समझने की चेष्टा की, स्वाध्याय किया है, उसमें कोई लगा है कि मेरा आत्मा मैं खोजूं, और उस तत्व तत्व संबंधित प्रयत्न भी किए, उस जीव को इतनी संभावना होती है कि अगले जन्म में फिर वापस सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाए, यही जिनेन्द्र देव इस तरह से मिल जाए, और वहां पर फिर वह उसकी आराधना करे ना। ऐसा हो सकता है भगवान जिनेन्द्र मिल जाते हैं, मुनियों के टोले मिल जाते हैं, चौथे काल में पैदा हो जाता है, वहां ऐसे अवसर मिलते हैं बार बार सत्र भगवान की दिव्य ध्वनि से, तो ये अंतर्मुख हो जाता है काली जीव में, मैं बना कर लेता है शरीर को भिन्न जाने के लिए। फिजिकल टू समय दृष्टि, समय दृष्टि क्या है, द्रव्य में त्रिकाली ध्रुव में मैं बना, जो मैं बना इसका शरीर में लग रहा था ना, मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा जो उसको लगता था वो मिथ्या था। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा एक्चुअल आत्मा में ही बना रहेगा, मैंने विराजमान ही मैं आत्मा हूँ, शरीर में भूल मैं तो आत्मा जो विराजमान है वो अंदर में विराजमान करता हूँ, ये शरीर न्यारा पड़ा, अपने आप ही न्यारा पड़ा हुआ दिखेगा, ऐसा पड़ोसी की तरह शरीर मुर्दा शरीर है, चेतना ही नहीं उसमें, चेतन चेतन जो है वो जो को जानने देखने वाला अलग बैठा हुआ, ऐसा ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा आत्मा को ये जान लेता है
तो उसमें फिर से अपना बात चली, ज्ञान की वेदी को मैंने ज्ञान की पर्याय को शुद्ध करो। कैसे करा? भेद ज्ञान से, भेद ज्ञान से भिन्न भिन्न जानने से, शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, सभी की पर्याय भिन्न, मैं ज्ञान मात्र हूं, इस प्रकार से भिन्न किया ज्ञान को। अब इस ज्ञान में कौन बैठा है? ये कह रहे हैं कि जिस ज्ञान में से अगर तुम भिन्न करोगे, ज्ञान अपना भाई अनंत, जैसे भिन्न करोगे तब ज्ञान में कौन बैठा है? वो खुद भगवान आकर, भगवान आकर के बैठ गए उस वेदी में, तो मतलब विराजमान ही है। इसका नाम है कि उपयोग में उपयोग, ये उपयोग में उपयोग। चलो ये तो मिथ्या दृष्टि के लिए बात हुई कि उसको सम्यक दृष्टि कैसे बनना और उपयोग में उपयोग को कैसे बिठाना। अब सम्यक दृष्टि की बात, कि सम्यक दृष्टि के संवर में, संवर को उपयोग कहा, समर दृष्टि के संवर को उपयोग कहा, पहला उपयोग, और उपयोग में उपयोग है, संवर में आत्मा है, संवर में है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, है ना, तो संवर में है आत्मा, आत्मा में संवर देखोगा वो ज्ञानी ही संवर, उस संवर में कौन पसरा हुआ है? भगवान आत्मा। तो ये जानता है कि मेरे संवर में, मेरे उपयोग में भगवान आत्मा है, इसलिए संवर तो दो चीज का नाम है, अनंतानुबंधी कषाय का भाव, मिथ्यात्व का भाव, अर्थात सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी के अभाव युक्ति शांति, इतना इतना टोटल, इसका नाम है संवर, भाव संवर। ये भाव संवर, इससे भी निद्रा होगी आगे, आप प्रत्यागम प्रत्यागम संमिलन संबंधी कषायों की सब निद्रा करेंगे, कर्मों की भी नजर आती, रोकना कर्मों का आना, रोकना, दो चीज ने रोक दिया। किसने रोका है? समय दर्शन और अनंतानुबंधी का अभाव, ये दोनों ने उठकर नए कर्मों का आना तो रोक दिया, नया कर्म आना रुक गए चौथे गुण स्थान से, चौथे गुण स्थान हो जाता समय दर्शन हुआ और अनंतानुबंधी गई, ये दोनों काम चौथे गुण स्थान तो अभिव्यक्ति समय दृष्टि को हो जाते हैं। अब ये तो संवर हो गया, इतना काम कर गया, इसमें कर्मों में नया आना तो रोक ही चुका है, साहब हम देख रहे हैं घर गृहस्थी में काम कर रहा है, आप कह रहे हो कि कर्म आना रुक गए, अरे भैया वो कर ही नहीं रहा है, तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम है, नए कर्म आना बंद हो गए, ये तरकीब से चल रहा है, संवर हो गया, तो फिर ये जो दिख रहा संयोग हो रही है, उदय आ रहा है, काम दौड़ रही है, ये इससे कर्म नहीं आ रहे, नए कर्म नहीं आ रहे भैया, ये जो अब ये जो सम्यक दृष्टि है उसके तो बड़े बड़े महल और ये होते हैं, छंद छह खंड का राज हो सकता है, कितना हो सकता है, कर्म आ रहे कि नहीं आ रहे नए? अरे नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? ये तो पुराने कर्मों को खिपा रहा है, पुराने कर्म खिप रहे हैं, कर्म जो पहले के जो बंदे थे उसके उदय से ये सब संयोग मिल रहे हैं, और उसको वर्तमान में उन संयोगों में रहना याद है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, कषाय करता नहीं, करता नहीं, कषाय होती है ना, होती है वो तो उदय प्रत्याघाना वर्णी के उदय से हो रही कषाय, उसके लिए थोड़ी कर रहा है, स्त्री के लिए राग थोड़ी कर रहा है, पुत्र के लिए राग नहीं कर रहा है, मोहनी का उदय वो राग करा रहा है, तो पुराना कर्म बना हुआ था मोहनी का, वो पुराना का उदय चल रहा है, बंद का वो फल उदय आ रहा है उसको, उसको वो भिन्न देख के जान रहा है, वो राग को भी जान रहा है, वो पुराने को उदय को जान रहा है, मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी का मतलब कि नया राग कर रहा है, कर्ता बुद्धि से मुझे ये करना है, मुझे पुत्र के प्रति राग करना है, पत्नी के प्रति राग करना है, मकान के प्रति राग करना है, ये सब करना अपना करते राग करता है बुद्धि पूर्वक, इसलिए अज्ञानी कर्ता कहलाता है, ज्ञानी कर्ता क्यों कहलाता है? वो आश्रम का करता है, संवर का करता नहीं है, और सम्यक दृष्टि ने संवर कर लिया है, इसलिए आश्रम का काम ही नए कर्मों का आना ही हो गया, तो करता ही जो हो रहा है तो उदय अनुसार हो रहा है, उदय हो रहा है तो जान रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा, उदय में आखिर खिल रहे हैं कर्म, तो नए ख
खपा रहा है, उल्टा उल्टे जा रहे हैं उसके ऊपर। वो सभी पाप निद्रा भी हो रही, तो निद्रा तो हो रही है ना, इस सांप में अभी पाप निद्रा भी होती है उसकी, सकाम निद्रा भी होती है, अकाम निद्रा भी होती है, चार अंतर व्यक्ति निजरा 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 करके पूरा अपना मकान साफ कर देता है, आत्मा रूपी भवन को पूरा खाली कर देता है और चैतन्य मोक्ष के महल में अनंत काल रहता है, आनंद से रहता है। कोई बात तो ऊंची है, लेकिन ऊंचे लोग ऊंचे लोग ऊंची बात, छोटी बात क्यों करना आपने। जिनवाणी सुन रहे हैं अभी तो, अमृत भोगो, अमृत पियो, रत्नत्रय ग्रह प्रकट करो, समय दृष्टि बनो, ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, ये इसके लिए ही एक एक क्षण है अपने लिए, और कोई दूसरा है नहीं। गजब बात है, पर्याय को क्लीन करो, भगवान तिलकाली ध्रुव आके बैठता है ज्ञान में, क्योंकि गया था जैसे अपन को हटाते हैं, राग नहीं है मेरे में, तो राग का विषय गया गे बनता था ना, तो वो गे में भी बनना बंद हो जाता है, ज्ञान सामान्य ज्ञान को पकड़ता है, ज्ञान में गया का सामान्य ज्ञान बन जाता है, और सामान्य ज्ञान इजिकल टू भगवान, ज्ञान में जो सामान्य ज्ञान पकड़ में आता है ज्ञान मात्र, वो द्रव्य है, पर्याय नहीं है, वो द्रव्य को देखने वाली पर्याय है, पर्याय कहीं गई नहीं है, लेकिन पर्याय का अनुभव नहीं होता, पर्याय सामान्य ज्ञान को देखता है, ज्ञान मात्र इजिकल टू सामान्य ज्ञान, ज्ञान मात्र सत्ता अनंत गुणों का पिंड है, अभेद अखंड है, एक रूप है, सिद्ध सदृश है, वह मैं भगवान, ऐसा उसको ज्ञान में फिट बैठ जाता है। उसकी महिमा और बताएंगे कितने विभाग प्रसंग अनुसार, कितना जबरदस्त है द्रव्य, क्या महिमा है उसकी अलौकिक। अभी तो उस द्रव्य को कैसे प्रकट करना, कहाँ है छुपा, मेरा देवता कहाँ छुपा है, यहाँ कहा कि उपयोग में उपयोग है, कहीं नहीं छुपा, तेरे उपयोग में तो बैठा है, उपयोग में तो बैठा है, उपयोग में बैठा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को तो उपयोग में कषाय नहीं छिपी, कषाय तो कषाय में पड़ी है, तेरे उपयोग में कहाँ है, कषाय कषाय में, उपयोग उपयोग में, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं होती, इसलिए वो कषाय उपयोग में नहीं है, और उपयोग कषाय में नहीं है, इसलिए तेरा उपयोग कषाय से खाली, कषाय कषाय में, उपयोग उपयोग में, इसलिए उपयोग शुद्ध है, इसलिए शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, शुद्ध उपयोग में ज्ञायक रहता है, या ज्ञायक की अनुभूति बोलो उसको, एक ही बात, ज्ञान में शुद्ध उपयोग ज्ञायक बैठता है आके, या आत्मा की अनुभूति चल रही है, बात एक ही है, जैसे की बात, इसलिए कोई क्रोधादि में कोई भी उपयोग नहीं है, वो क्रोध क्रोध में ही है, क्रोध में क्रोध, यहाँ पे कौन सा क्रोध लेना है, भाव क्रोध, द्रव्य क्रोध तो बाहर ही, द्रव्य क्रोध की बात नहीं करना है, ऐसा है कि जो माल आया पैकिंग में आता है, पैकिंग माल आता है ना कहीं से, आपने अमेजोन को कर दिया ऑर्डर, तो वहां से पैकिंग होके आता है, एक बड़ा पैकिंग, फिर उसके अंदर एक छोटा पैकिंग, उस पैकिंग के अंदर फिर वो पेपर पैकिंग, और फिर उसके अंदर माल रहता है, और ऊपर ऐसा लिखा रहता है माल का नाम, माल का नाम कहाँ लिखा रहता है, पैकिंग पे, कि ये माल है, अब वो माल ऊपर लिखा पैकिंग पर नाम, अब कोई समझे कि उसका पैकिंग पे ऊपर ऐसा लिखा है कि ये मोबाइल आईफोन है, ऐसा लिखा हो, उसी को आईफोन मान ले, तो पैकिंग में से वो चलेगा तो हमारा काम करेगा, तो फोन पैकिंग को आईफोन मान रहा है, तो इस पर लिखा है, अरे लिखा होगा देखेंगे तो ऊपर का वरदान है, उसको फेंक दे फाड़ के, उसके अंदर है वो माल है, वो है माल, उसको ग्रहण कर, ऐसे आत्मा कहाँ है, तो ये उसके आत्मा तो बहुत पैकिंग है, क्या क्या पैकिंग है, एक तो ये कषायों का पैकिंग है, ये अंदर का पैकिंग है, उसके भी ऊपर जो पैकिंग है वो कर्म का, द्रव्य कर्म का पैकिंग है, फिर ऊपर और नौ कर्म शरीर का पैकिंग है, ये पैकिंग है, अब ये सारा संयोग पैकिंग का, अभी तो कौन है कि मैं हूँ,
ये शरीर जो है तो ऊपर का तीसरे नंबर का पेचिंग सब मोटा पेचिंग बॉक्स खोका वो बेचेंगे शरीर, इसको तू माल मान रहा है पूरा का पूरा कि मैं हूं, पूरा आत्मा मान रहा है शरीर को, वो कैसे वो काम करेगा वर्क। अब ये इस पैकिंग को पैकिंग समझ रही, उद्गल को तो इसके अंदर है आत्मा, तो तू तो आत्मा अंदर है, पैकिंग को कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। अनादिकाल से देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुझा है, शरीर और आत्मा को एक गिनने वाला बहिरात्मा है, बहिरात्मा तत्व मुझा है, मुझा है मतलब मूर्ख, मुझा मतलब मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, तत्व से अनजान है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, क्या शरीर में क्या आत्मा में क्या। सुबह उठे ना दंत मंजन करा ना खाने पेट के नाश्ता पानी करने लग गए, खाना पीना करने लगे, एक दो घंटे सोकर दुखे में थोड़ा व्यापार धंधा कर लिखा पढ़ी कर आया, पैसा कमाया आ गया थोड़ा बहुत, तो उसे फिर रात हो गई, फिर खाया, फिर शाम को खाना वाना खाया, रात को फिर थोड़ा सा टीवी भी लेकर सो गया, इस दिन निकल गए, जिंदगी निकल गई, पूरी निकल गई, कितने दिन हो गए क्या, मेरे तो 60 वर्ष काम, 60 साल निकल गए, जन्मदिन वैराग्य का दिन होता है भैया, नची मजा करने का दिन होता है, क्योंकि हर अपने तीर्थंकर 17 तीर्थंकर उनका जन्म कल्याण के दिन ही मोक्ष कल्याण है, तो मोक्ष नहीं तप कल्याण, जन्म कल्याण और तप कल्याण एक साथ एक ही तिथि को, क्यों ये वो जन्म होता है, जन्म कल्याण मालूम पड़ता है कि आज का दिन हुआ तो वो देखते हैं कि अपनी जिंदगी में से 1 वर्ष और कम हो गया है, ओ ये तो जिंदगी जा रही है, जल्दी बनो मुनि, सब छोड़ कर त्याग तपस्या मुनि राज बन जाते हैं, जंगल चल जाते हैं और आत्मा को साथ केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं, ऐसा वैराग्य आता है, दिन जाता है एक एक दिन, जे ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद निसरे जैसे अंजुली को जल, पानी भर लो अंजुली में तो पटक टपकते जाएगा, अंजुली में को जल टिकने वाला है क्या, भरो इसमें तो निकल के जाएगा, खत्म हो जाएगा इसमें ऊपर अंजुली में, ऐसे प्रति समय एक क्षण 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 आयु में से प्रति समय घट रहा है, और ये फिर भी नहीं छेक रहा है, ये बड़ा खतरनाक काम है इस जीव के लिए, और उस खतरनाक के को मिटाने के लिए ये जो टाइम मिला है कोई बहुत ही उत्तम टाइम मिला है, मनुष्य भाव, मनुष्य भाव तो अनंत बार मिला, कोई खाता थोड़ी है, जैन गुण कई बार अनंत बार मिला है, अनंत बार जैन कुल अनंत बार मिला है, फिर जैन कुल के अंदर में जैनत्व ये कभी नहीं मिला, अनंत बार काल में एक बार जैन धर्म तो मिला, पर जैन धर्म के अनुसार चलना उसका नाम जैनत्व, वो इस जीव ने खुद ने कभी एक बार भी नहीं किया, इसलिए ये अवसर तो आए और अवसर जाते रहे, और अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, और श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि यदि अवसर चूका वो के पूर्व अवसर ऐसा फिर कब आएगा, वेट करते रहो कब आएगा कब आएगा कब आएगा, अच्छा आ जाए तो अच्छा कब आएगा, और करे है नहीं कुछ भी वर्तमान इंतजार कर रहा है कि कब अवसर आएगा, अरे अवसर आएगा वो ऐसा बढ़िया अवसर आएगा, उसके लिए लालयित हो, लालयित होकर के उसे प्राप्त करने के लिए वर्तमान में पुरुषार्थ कर, ये वर्तमान का समय तो छोड़ दे, और कह के समय परीक्षा में कब पास हो जाऊंगा कब हो जाऊंगा, पर तो अभ्यास तो करना शुरू कर, पढ़ाई तो कर, तो फिर तेरे अधिकार ही बोलने का कि कब पास हो जाऊंगा, वो दिन भी आएगा कि मैं पास हो जाऊंगा, वो दिन भी आएगा कि मेरे को ऐसे जॉब लग जाएगी, और वो दिन आएगा कि मैं आगे बड़ा कंपनी का मैनेजर बन जाऊंगा, सीआईओ हो जाऊंगा मैं, करोड़ से ऐसे इतने बड़ी बड़ी कर लूंगा, इस प्रकार से सोचता है, ये सोचे तो अधिकार उसको सोचने का, जो
अच्छे नंबर से पास हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको दिखा। जो पढ़ ही नहीं रहा है अभी करें कल्पना थी, मैं कब ऐसा हो जाऊंगा ऐसा हो जाऊंगा, तो व्यसन में पड़े करें। अर्थवाद वो जो जंगल के अंदर जो अरण्य रुदन करता है वैसा कर रहा है। अरण्य रुदन, अरण्य रुदन समझना है ना क्या होता है तन्मय जी? अरण्य रुदन का मतलब होता है जंगल में रुदन करना। अब वहां पर शेर आ गया और वहां चिल्ला जो, अरे बचाओ बचाओ मेरे को, मैं मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ, तो कौन सुनने वाला है? कोई आएगा क्या शेर से बचाने के लिए? उसको खा जाए। अरण्य रुदन करता है, चिल्ला रहा है, ऐसा अनादि काल से जो अरण्य रुदन में है, कोई मालिक नहीं है इसका, अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। सारे जितने उदय हैं सब अकेले ही भोगना पड़ते हैं, चाहे नरक गति में भी अकेले ही जाता है, मनुष्य में भी अकेला रहता है, देव में भी अकेला रहता है, और ये समय दर्शन में भी अकेला रहता है, और मोक्ष हो जाता है वहां पर भी अकेला रहता है, सिद्ध भगवान उनके भी अकेला रहता है। इधर अकेले में रहेगा तो वहां दुखी रहेगा, और वहां अकेला रहेगा तो वहां सुखी रहेगा। तो अकेले की भावना भाव, क्योंकि अकेले ही रहने वाले, तुम साथ में रख करके कभी मोक्ष जा ही नहीं सकते। ले प्राण भैया को तू कभी न मोक्ष में जा पाएगा, मुक्ति में जा नहीं पाएगा। जैसे कि साथ में लेके रखूं, मैं साथ में लेके रखूं, मोक्ष चल जा सकते ही, तो क्या छोड़ दूं? ये छोड़ के आते छूटे ही पड़ा है, पहले छूटा पड़ा है ये तो मान ले, फिर छोड़ने के बाद आदमी चारित्र में आचरण में आएगा, ये मुनि बनेगा तब। अभी तो छूटा पड़ा है, भिन्न पड़े हैं, इतना मान कर ले। यहाँ तो, यहाँ तो क्रोध तक को भिन्न बता दिया है, अंदर के विकारी भाव तक भिन्न पड़े हैं, तो शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा है प्रभु, ऐसा अपने को देख करके और सम्यक दृष्टि बनता है। इसी के साथ में यहाँ पे आठ प्रकार के कर्मों को भी लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाव कर्म ही लिए हैं, साथ में दृढ़ कर्म भी लिए और नो कर्म भी लिए, जो उपयोग में नो कर्म भी नहीं है, मोटर गाड़ी नहीं, जेवर जेवर जो है जितने भी वो सब अपने ज्ञान के अंदर उपयोग में नहीं है, उपयोग से बाहर, ये नो कर्म भी बाहर। इसी सब बात बता के और सुमर को प्रकट करना चाहिए, जिस तरह से हो वो पूरी गाथा में बताएंगे। अभी आप हमारी कोशिश ये रहेगी पूरी सुमर की विधि, समय दर्शन प्राप्त करने की विधि, यह जीव न केवल सीख ले, मतलब थयोक्षण ज्ञान को वाहन सीख ले, इतना ही नहीं अभी तो प्रयोग करके इसको प्रकट करे। अभी यही इन दिनों में ही इतने में ही समय दृष्टि बने जीव, इतना पूरी विधि विधान अपने को यहाँ पे चलाना है और उसका हम सब लाभ में। जय जय जी। हाँ बोल क्वेश्चन कुछ नहीं, वो ऐसा आज की बात में उपयोग को क्रोध से अलग किया। हाँ वैसे कर्ता कर्म अधिकार में वहाँ दूसरी बात आती है कि क्रोधोपयोगी क्रोध जीव मानोपयोगी मान मानोपी तो क्योंकि तो वहाँ और प्रयोजन है, तो शायद में भी अगली बार में भी टॉक अबाउट इसके बारे में कुछ। हाँ उसमें दोनों जगह में क्या अंतर है? यहाँ तो उपयोग में क्रोध नहीं है और आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ पर क्रोधोपयोगी क्रोध है और मानोपयोगी मान है, ऐसा कहा। मतलब वही है कि है तो उपयोग में उपयोग, क्रोध में उपयोग नहीं है, परंतु अज्ञान से यह क्रोध में उपयोग मानता है, मेरा उपयोग में क्रोध अंदर आके बैठ गया है ऐसा मानता है। उसी तरह कि दर्पण में हाथी प्रतिबिंबित हुआ, हाथी तो प्रतिबिंबित हुआ, उसको ऐसा वो कहता है कि मेरे अंदर हाथी दर्पण के अंदर आके बैठ गया है। दर्पण में हाथी है कि हाथी बाहर बैठा है? दर्पण में तो हाथी का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में हाथी थोड़ी है, खून हड्डी मांस वाला हाथी दर्पण में है क्या? वो तो बाहर है और दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है वो तो दर्पण में है, ऐसा। तो हम दो तरह की बात है, कोई ऐसा माने कि दर्पण के अंदर हाथी है, ऐसा कि कोई उपयोग में माने कि क्रोध है, तो क्रोधोपयोगी हो गया,
और क्रोधोपयोगी क्रोध है, मतलब वो जीव उपयोग में है ही नहीं, वो तो क्रोध क्रोध बन के बैठा हुआ है। क्रोधोपयोगी क्रोध है, आत्मा नहीं। क्रोधोपयोगी क्रोध में उपयोग को जोड़ने वाला अर्थात उपयोग के साथ एकत्व करने वाला वह तो जीव क्रोध में बैठा है, क्रोध ही है, जीव है ही नहीं, वो माने ही नहीं उसको जीव, उसने अपने को क्रोध बना दिया, अपने को क्रोध मान लिया, इसलिए उसके हिसाब से वो जीव है ही नहीं, उसकी उसकी खुद की दृष्टि में वो जीव नहीं है। जैसे मान उपयोगी मान है, मान में उपयोग है, माने उपयोग में मान है, मान और उपयोग एक है, ऐसा जिसने माना वो तो मान ही, मान के अंदर वो अपने अस्तित्व को मान रहा है, उसका उपयोग उसको ज्ञाय का पता ही नहीं। यहाँ जो जब भिन्न भिन्न जानेगा तभी से अपने उपयोग में भगवान आत्मा बैठा हुआ नजर आएगा। जैसे कि वेदी में जिन्हें भगवान बैठते हैं, शुद्ध वेदी में बैठते हैं, अशुद्ध वेदी में जिन्हें भगवान नहीं आके बैठे हैं, अपने राग की ज्ञान की वेदी को अशुद्ध बना के रखोगे तो भगवान आत्मा नहीं आने वाला, अपने ही आत्मा दर्शन देने वाला नहीं है, नहीं तो अपना भगवान आत्मा दर्शन दे देगा, जरूर देगा, अभी देगा, इसी समय देगा, तत्काल। चारों ये एक बात है कि ये जो सम्यक दर्शन है चारों गति में होता है, नरक में तिरंज में मनुष्य जो है पंचम काल में चौथे काल में सब दूर हो सकता है। अब तो ये चौथे काल जो पंचम काल के अंदर ये सोचे कि नहीं सब इस जमाने में तो क्या होगा सम्यक दर्शन, तो ये इसकी भ्रांति है, पशु को हो जाता है हमको क्यों नहीं होगा, तो इस प्रकार पुरुषार्थ करेगा तो जरूर होगा, ऐसा जिन्हें जो भगवान का आशीर्वाद है उसको भव्य जीव को जरूर होगा, तो डरे मत, अनंत जीवों को हुआ तेरे क्यों नहीं होगा, सब जीव साधारण साधारण कम बुद्धि वाले कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक बार कमर कस के मैदान में आ जा कि मेरे को सम्यक दर्शन करना, पुरुषार्थ करना चालू कर, बराबर जिमाणी के मारक मारक चाल हो रहे महाराज जीवड़ा लक्ष्य हो रहा फिर कल जाती है इसी बात। जी।